नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द पब्लिक के शो पेट पूजा में। आज पेट पूजा के लिए हम मौजूद हैं लखनऊ के फैज़ाबाद रोड स्थित श्री राजभोग रेस्टोरेंट में। और ये रेस्टोरेंट अभी खुले हुए इसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का जो राजस्थानी स्टाइल की जो थाली है जिसमें लगभग 35 तरह के आइटम होते हैं ये लोग सर्व करते हैं, और लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं जिनको राजस्थानी डिश पसंद है और उस तरह की चीज़ें ये पसंद करते हैं यहाँ पे लोग टेस्ट लेना। तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इनकी राजस्थानी थाली का स्वाद चखने के लिए, और अपने पेट पूजा की खोज में हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग किस तरह से प्रेम पूर्वक सर्व करते हैं अपनी डिशेस को और प्रेम से खिलाते हैं एक एक चीज़। इनकी राजस्थानी तहजीब और राजस्थानी स्टाइल में उसी शैली में ये लोग हमें खिलाते हैं, और लोग इनका जो प्रेम है इसको देख करके भी और यहाँ की जो डिशेस का जो स्वाद है उसको देख करके भी यहाँ पर आने को आकर्षित होते हैं। ये इन लोगों ने मुझे इस समय पहना दिया है एक राजस्थानी टोपी, जो यहाँ पे आने वाले राजभोग में आने वाले हर एक गेस्ट को ये पहनाया करते हैं, यहाँ की खास चीज़ है ये। और ये जो है अब ये धीरे धीरे सर्व करेंगे हम लोग एक खाना, और ये यहाँ की थाली है कि जो पहले एक मखमल के कवर में ढकी हुई रहती है, और जैसे ही गेस्ट आते हैं तो ये लोग धीरे धीरे करके उस कवर को उतार करके थाली को निकालते हैं और उसके बाद उसमें सर्व करना शुरू करते हैं। ये धीरे धीरे ये कवर हटा है थाली के ऊपर से। ये राजस्थानी थाली का एक तरीका है कि किस तरह से राजस्थानी थाली दिखा करती है, एक बड़ी सी थाली जिसमें छोटी छोटी कटोरियां नज़र आती हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोटी कटोरी और एक बड़ी कटोरी बड़ी सी थाली में सजा करके रखी गई। हमें अपना हमारा हैंड वॉश कराएंगे, और ये यहाँ की एक अलग ही तहजीब है कि पूरे राजस्थानी तरीके से जैसे राजस्थान में आप जाते हैं वहाँ पर हाथ को हैंड वॉश कराया जाता है, और उसे हैंड वॉश के ज़रिए हाँ ये हैंड वॉश कराते हैं। पूरा गर्म पानी इसमें नींबू मिला हुआ होता है और उसके ज़रिए से हाथ को साफ़ करके उसके बाद इसी तरह से राजस्थान में भी जब आप जाएंगे कहीं पर तो वहाँ पर पूरे तहजीब से हाथ आपको धुलाया जाएगा, उसके बाद हाथ पोछ करके तभी सर्व किया जाता है। ये जो राजस्थानी बर्तन है एक तरह से जिनमें हमें हाथ धुलाया गया। ये सर छाछ है, छाछ है सर। छाछ मतलब कैसे बनती है? ये सर दही की बनती है, इसमें जीरा पड़ता है बुना हुआ, अदरक पड़ती है और पुदीना हरा पड़ता है और जलजीरा। जैसा कि इन्होंने आप जो है अभी हमें ये छाछ सर्व करी है, और ये पूरे जैसे इसको हम लोग मट्ठा भी बोला करते हैं, इसमें ये जीरा और धनिया ये सब चीज़ें डाल करके ये पूरी छाछ बनाई है इन्होंने। यहाँ पे सबसे पहले छाछ सर्व करी जाती है। ये क्या आप डाल रहे हैं? इसमें चना है, मूंग दाल, वेज सलाद है, ये ग्रीन चटनी है, ये मीठी चटनी है, ये नींबू लेमन। ये इन्होंने मुझे ये इसको जो आप लोग देख रहे हैं ये चना और मूंग है, स्क्राउट बोलते हैं इसको, और इसमें चना और मूंग एक साथ ये लोग सर्व करते हैं, साथ में लेमन है, ये धनिया की चटनी हरी, और ये मीठी चटनी भी साथ में देते हैं जो स्टार्टर के तौर पर यहाँ पे शुरू होता है। स्टार्टर में पहले तो छाछ, फिर स्क्राउट, और ये लेमन, ये हरे धनिया की चटनी, और ये मीठी चटनी। मसाला इडली वेज घुंघरा। ये मसाला इडली है वेज घुंघरा। घुंघरा जी, वेज घुंघरा। ये मतलब कैसे बनाते हैं आप लोग? सर ये मटर से बनता है, इसलिए मटर बनाते हैं।
सर ये क्या, ये मसाला इडली है तो ये कैसे क्या बनती है राजस्थान? इडली में से उसका रवा का पेस्ट बनाते हम, फिर उसके अंदर हमें रोस्टेड होने के बाद में उसका ये मसाला बनाते हैं, मसाला में उसको फ्राई करते हैं। और ये भूमरा घुघरा जिसे घुघरा गुंजिया भी बोलते हैं, गुजिया हाँ। वो टाइप का है, उसके अंदर मटर का मसाला रहता है, पेस्ट बना के उसके ऊपर वो डालते हैं। ये हम लोगों ने कवर वगैरह बना के शेप करके उनको मटर पैक बोलते हैं। ये हम लोगों ने लखनऊ में जो मीठी गुजिया तो खाई है जिसमें खोए वगैरह की स्टफिंग रहती है, ये नमकीन घुघरा है जिसके अंदर मटर वगैरह के स्टफिंग डालते हैं। जैसे नमकीन टाइप रहता है, उनको सटने के साथ में खाने का ये अलग अलग रहता है। अच्छा, मतलब सभी को अलग अलग टेस्ट के साथ, चटनी के साथ में खाएंगे तो वो अलग रहता है। जब पापड़ी चाट में उसमें दही का मट्टा है अपना, अच्छे है, चटनी है, पापड़ी है, सब मिक्स मिला करके ये एकदम पापड़ी चाट होता है। पापड़ी चाट ये आप लोग देख रहे हैं, ये पापड़ी चाट है। इसमें दही और नमकीन और ग्रीन चटनी और लाल चटनी ये वगैरह डाल करके एकदम वो खटामटन का टेस्ट आता है। ये गुजराती स्टाइल में ये गुजराती डिश है पापड़ी चाट। ये दाल बाटी है, स्पेशल राजस्थान में डिश रहता है दाल बाटी, चूरमा रहता है। ये पहले बाटी डाला, अभी दाल लिया, उनके साथ में ये घी रहेगा, घी और बाद में चूरमा है, उसको हम दाल बाटी और चूरमा बोलते हैं। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, उसके साथ में नींबू और घी डालने के बाद उसका स्वाद और बढ़ जाता है। ये इसका वैसे फेवरेट राजस्थानी डिश बोलते हैं। ये प्योर राजस्थानी डिश है, दाल बाटी चूरमा की सब्जी है और इसके अंदर कटक की सब्जी आती है साथ में। दाल बाटी चूरमा वैसे दाल बाटी और ये चूरमा चूरमा ये गुजरात में भी तो गुजरात में रहता, बल्कि वैसे राजस्थानी इसका ओरिजिन राजस्थान है। ये इन्होंने मटर पनीर की सब्जी सर्व करी, मटर पनीर की सब्जी आया पंजाबी स्टाइल में हो गया ये, पंजाबी स्टाइल हरी सब्जी में फ्लावर की सब्जी आ गई। ये राजस्थानी गट्टा, ये राजस्थान, ये प्योर राजस्थानी गट्टे की है सब्जी, गट्टे की सब्जी और ये दाल बाटी के साथ में उनका कॉम्बिनेशन। ये आलू की सब्जी अपने हर स्टेट में मिल जाएगी, ये आलू की सब्जी जैसा कि इन्होंने बताया कि हर एक जगह पे मिल जाती है कॉमन। ये जो गट्टे की सब्जी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही मिलती है, ये हमारे चार टाइप की सब्जी रहती है। ये दाल आ गया, ये दाल कैसी दाल है? दाल तड़का दाल बोलते हैं इसको, तड़का दाल। यस, ये भी राजस्थानी, ये भी राजस्थान में रहती है। ये दाल बाटी के साथ में कड़ी है, ये भी राजस्थानी है। ये दाल है और तड़का दाल जिसको कहते हैं, ये इन्होंने बताया कि ये कढ़ी है, मारवाड़ी कढ़ी बोलते हैं, मारवाड़ी कढ़ी। ये गुजराती दाल मीठा दाल रहता है, ये गुजराती दाल है। गुजरात वालों को वैसा भी मिठास मिठास काफ़ी पसंद रहती है, तो ये पूरी दाल मीठी है और इसमें मूंगफली के दाने वगैरह उनके लिए और थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है उसका। ये फुल्का रोटी है, फुल्का रोटी है, फुल्का रोटी। ये अपना पूरी, ये पूरी है, ये फुल्का रोटी, ये पूरी और ये यहाँ पर इनके यहाँ पे इतने आइटम्स हैं कि जैसे कि रोटी हमारी रहती है फुल्का रोटी पूरी, फुल्का रोटी पूरी और मकई का रोटला है, मकई का रोटला, रोटला मैंने भी सुन रखा है ये रोटला। बिस्किट बाकरी है, बिस्किट बाकरी, बाकरी। ये कैसे बनाते हैं आप? ये अपना पूरा आटे के साथ में उनके अंदर तेल है, दूध का पेस्ट है, घी पूरे उसके साथ में उनको आटा गूंदना पड़ता है, फिर उसमें तेल वगैरह सब मिठास चक्कर वगैरह डाल के फिर उनको बनाते हैं, उसको बिस्किट बोलते हैं, बिस्किट बाकरी। ये बिस्किट बाकरी है, ये फुल्का रोटी है, ये पूरी है और ये मक्के मकई का रोटला, उसके साथ में ये घी लगाने का, घी ये सभी पर अब इन्होंने ये घी डाला है। बीकानेरी पापड़ राजस्थान स्पेशल पापड़, ये है बीकानेरी पापड़ स्पेशल, स्पेशल बीकानेरी पापड़। जैसे कि हम लोग पापड़ वैसे हर जगह खाते हैं लेकिन ये स्पेशल बीकानेरी पापड़ है। ये क्या, जैसे अरारोट के पापड़ बनते हैं उसी तरह से मूंग दाल, ये मूंग दाल और उर्द दाल का पापड़ बीकानेरी पापड़। लोगों ने सर्व किया हमें गुजराती स्टाइल खिचड़ी और जाड़े के सीजन में अपना एक बाजरे का खिचड़ी भी रहता है, जाड़े के सीजन में एक बाजरे की खिचड़ी। ये कैसी है गुजराती? मूंग दाल की खिचड़ी, गुजराती स्टाइल में मूंग दाल खिचड़ी। उसके साथ में घी का स्वाद, उसके ऊपर ये बढ़िया से घी डाला है, स्वाद एकदम उसका बेहतरीन स्वाद होता है। हाँ,
जैसे कि कहावत है कि खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार, तो पापड़ भी आ गया है, घी भी है, अचार भी है, सब कुछ। ये पुलाव है, ये पुलाव है, केसरी पुलाव, केसरी पुलाव होता है, इसके अंदर पुलाव है, सब पूरा मसाला रहता है। इस खीर है, यस, सूटी से, श्रीखंड, ये श्रीखंड, श्रीखंड, और ये है राइस खीर, जैसे कि खीर हम लोग खाते रहते हैं, और ये श्रीखंड है, ये भी राजस्थान में गुजराती आइटम में मठा वगैरह का रहता ज़्यादा, बाकी हर स्टेट में मिल जाता है श्रीखंड और राइस खीर। स्वीट कर रहे हैं, स्वीट डिज़र्ट है ये, इन्होंने दिया है टेस्ट के लिए। ये खिचड़ी का चौथा यार, जिसको हम अचार बोलते हैं, वो भी आ गया, और ये स्पेशल गार्लिक चटनी, लहसुन चटनी बोलते हैं, ये स्पेशल गार्लिक लहसुन चटनी, स्पेशल गार्लिक लहसुन चटनी, फ्राई चिली, फ्राई मिर्च, ये अचार, ये गार्लिक चटनी, ये अचार, ये पूरी राजस्थानी थाली तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं कि ये क्या क्या इन्होंने ये आइटम हमें सर्व किया है। ये स्क्राउट है, ये लेमन, ये हरी चटनी, ये मीठी चटनी, ये इन्होंने बताया घूघरा, और ये मसाला इडली, ये है गार्लिक की चटनी, गार्लिक चटनी, ये फ्राइड मिर्च, ये अचार, प्याज, ये चूरमा है, जिसको दाल बाटी के साथ, दाल बाटी ये यहाँ पर मौजूद है, दाल बाटी, दाल बाटी के साथ, ये दाल बाटी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दाल बाटी है, ये चूरमा है, ये इन्होंने छाछ दी है, छाछ है दही की, मट्ठे जिसको हम लोग मट्ठा भी बोलते हैं, ये गुजराती दाल, ये मीठी दाल बोलते हैं इसको, ये इन्होंने सर्व किया है हमें पापड़ी चाट, पापड़ी चाट बोलते हैं, ये कढ़ी है, ये कढ़ी, मारवाड़ी कढ़ी, मारवाड़ी कढ़ी है ये जो है, ये दाल है तड़का दाल, ये आलू की सब्जी जो हर जगह अवेलेबल हो जाती है, ये प्योर राजस्थानी डिश है, गट्टा, गट्टे की सब्जी, और ये हरी सब्जी गोभी और मटर की, और ये है मटर पनीर, पनीर मसाला, ये प्योर बीकानेरी पापड़, और ये है स्वीट डिज़र्ट में श्रीखंड, श्रीखंड, ये राइस खीर, ये राइस खीर है, ये श्रीखंड है स्वीट डिज़र्ट, ये है पुलाव, मटर पुलाव राजस्थानी स्टाइल में, ये है प्योर गुजराती स्टाइल की मूंग दाल खिचड़ी, इसके ऊपर इन्होंने घी डाल रखा हुआ है, और उसके बाद अगर रोटियों पे आएँ तो ये इनकी फुल्का रोटी है, ये फुल्का रोटी इन्होंने पूरी फुलके की तरह से फूली, उसके ऊपर घी डाला हुआ है, ये पूरी है, ये रोटला है, मकई का रोटला जिसको बोलते हैं ये लोग, और ये बिस्किट भाकरी, बिस्किट भाकरी है। तो इतने प्रकार के डिशेज इनकी राजस्थानी थाली में अवेलेबल है कि इंसान अगर एक एक निवाला भी खाएगा तो पूरे मन से खाएगा और पूरे चाव से खाएगा। इनके जो खिलाने का स्टाइल है वो पूरा राजस्थानी तहजीब के साथ है, जो प्रेम पूर्वक ये लोग खिलाते हैं। ये इस समय राजस्थानी थाली पूरी तरह से तैयार है, इसमें कई प्रकार की डिशेज अवेलेबल हैं, और अगर एक एक निवाला भी हम खाएं तो हमारा पेट पूरी तरीके से भर जाएगा, क्योंकि ढेर सारे आइटम्स हैं यहाँ पर, मीठा भी है, नमकीन भी है, और मीठा नमकीन मिक्स भी है,
छाछ भी अवेलेबल है जो स्वास्थ्य वर्धक है। गुजराती आइटम्स भी कुछ अवेलेबल हैं इसमें, जैसे गुजराती दाल और गुजराती स्टाइल की मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह। ये बीकानेरी और मारवाड़ी, ये सारे आइटम्स यहाँ पे इनके साथ अवेलेबल हैं। और इनके जो प्रेम पूर्वक खिलाने का तरीका है वो लोगों का यहाँ मन मोह लेता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इस समय हमारे साथ राजभोग में एक गेस्ट भी मौजूद हैं, आइए उनसे मिल करके जानते हैं इस राजभोग के बारे में कि यहाँ की डिशेज उन्हें कैसे लगती हैं और क्या खासियत है यहाँ की डिश की। तो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम मैम? उर्वी। एंड मैम, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं लोग, तो क्या यहाँ की खासियत क्या है यहाँ की डिशेस की और कैसा है? स्पेशली जो गट्टा है, गट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहता है, बिकॉज उसमें ऑथेंटिक जो है राजस्थानी फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है। फिर इनका स्पेशली जो मीठा है, मीठे में जैसे कि इनकी खीर हो गई, खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर मैं इनकी दाल बाटी चूरमा की बात करूँ तो उसमें स्पेशली जब वो लोग घी भी डाल करके एकदम प्रॉपरली सर्व करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। और फिर आता है कि आपको कैसे ये लोग जो है अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से इंटीरियर्स हैं इनके, खाना कैसा है, एक वार्म हार्टेडली ये लोग सबको वेलकम करते हैं। बिकॉज एक होता है कि आए आपको बैठे सर्व करा, बट एक होता है ना एक एफर्ट दे करके कि नहीं आप खाइए, ये टेस्ट करके देखिए आपको अच्छा लगेगा, वो प्यार तो वो एक करता हाँ एग्जैक्टली मतलब कि हम मना भी करते हैं तभी वो प्यार से सर्व करते हैं कि एक बार थोड़ा सा तो खा कर देखिए तो आपको पता लगे कैसा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बाकी रेस्टोरेंट्स में एटलीस्ट नहीं मिलेंगी। उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर आपको सर्व कर देंगे, आपको खाना आप खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए, फेंक भी सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जितना लेते हैं उतना भी हमारे लिए कम होता है, आकर के सब कहते हैं कि लीजिए थोड़ा सा तो खा कर देखिए कैसा लग रहा है, और मतलब प्रॉपर फ्लेवर के साथ। अगर घी भी है तो घी के साथ खाइए तो आपको ये पता लगे कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, किस चीज़ का क्या खाइए, क्या मिक्सअप करके खाइए, तो सारा पता लगता है। तो बेसिकली हम लोग को राजस्थान का इतना आइडिया है नहीं, ये लोग को पता है कि कैसे राजस्थानी खाना खाया जाता है, कैसे सर्व करा जाता है, तो वही सारी चीज़ें देख करके पता लगता है खाना बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। तो ये यहाँ पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर जो इन लोगों के स्वागत करने का तरीका है पूरे राजस्थानी तहजीब के साथ प्रेम पूर्वक जो ये लोग खिलाया करते हैं वो लोगों को अपील करता है यहाँ पर चीज़ों का टेस्ट लेने के लिए। और लोग इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं कि आ करके यहाँ की डिशेस जो भी हैं, राजस्थानी थाली की जो डिशेस हैं इसमें गुजराती टच भी है, कुछ डिशेस जो गुजरात से भी रिलेटेड हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी चीज़ टेस्ट लेते हैं लोग। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस शॉप के मैनेजर राड़ावत जी, इनसे मिलकर के जानते हैं कि कैसा रहा उनका ये जो सफ़र है श्री राजभोग की स्टार्टिंग का, और कैसे ये शॉप यहाँ पर आई, कितने दिन हुए, और क्या क्या खासियत लोगों को यहाँ पर अपील करती है आने के लिए। सर, इसको ओपन होकर तकरीबन 2 साल पूरे हो गए, 12 जुलाई 2016 से, तो धीरे धीरे हमारे को रेस्पॉन्स मिलता रहा अच्छा। अभी उसके लिए लखनऊ के एक वैसे चौकी डाने के हमने एक लखनऊ के अंदर राजस्थानी डिशेज के अंदर चौकी डाने की याद दिलाने के लिए हम बार बार आपको लखनऊ वाले पब्लिक को एकदम आकर्षित करते हैं, आ रहे हैं और राजस्थानी स्टाइल का अपना खाने का एकदम एंजॉय ले रहे हैं, और इसके अंदर राजस्थानी फूड गुजराती फूड दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन करके हम उनको टेस्ट देते जा रहे हैं, और ये खाने के लिए लोग बहुत आकर्षित हैं और आते हैं, अच्छा है। सर, ये कितना समय हुआ है शॉप को खुले हुए, और आपकी जो और भी कोई ब्रांचेस वगैरह उनको चालू होकर के 2 साल पूरे होने वाले हैं, और हमारी एक ब्रांच आशियाना लखनऊ के अंदर एक सेकंड ब्रांच और हुआ है वो आशियाना में भी है, उसका भी ऐसा ठीक है अच्छा है। शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज हमने श्री राजभोग में आ करके जाना कि एक राजस्थानी थाली क्या होती है और राजस्थानी थाली की डिशेस क्या क्या होती हैं, और कैसे प्रेम से अगर कोई खाना परोसा जाए तो वो कैसे लोगों को खाने के लिए मजबूर कर देता है कि कम से कम उसका स्वाद ही ले इंसान, लेकिन लेगा ज़रूर। इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं, और फिर कभी किसी और नई जगह पर आपको ले चलेंगे, कुछ और स्वाद आपको चखाएंगे। धन्यवाद।